अलमनाक हादसा कहूटा से 25 किलोमीटर दूर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में नरड़ गांव के करीब पेश आया। बारात चकवाल के नवाई इलाके से नरड़ आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद शामिल थे। वापसी के दौरान बस एक मोड़ काटते हुए 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर हादसे में महफूज रहा, जिसका दावा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। ऐसा हुआ जब गाड़ी मोड़ में आई है, ब्रेक लगाई है, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी तो एक मोड़ गाड़ी गियर के वजन पर फिर आई है। जब दूसरे तक पहुंची है गियर निकल गया है, तो जब गियर निकला है तो गाड़ी स्पीड पकड़ गई है, दूसरे मोड़ में गाड़ी वापस नहीं मोड़ सकी, गिर गई है। जान क्या बचाने थी, मैं भी उनके साथ गिर गया। जब गाड़ी गिर गई तो मुझे तो पता भी अस्पताल में चला है। हादसा इतना खौफनाक था कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लाशें और जख्मी बस के अंदर फंस गए। मुकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने बस की बॉडी काटकर लाशों और जख्मियों को निकाला। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा के एमएस डॉक्टर जियाउल्लाह खान के मुताबिक अस्पताल में लाए गए कई जख्मियों की हालत तश्वीशनाक है। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जो हुआ है कल रात को, इसमें हमारे पास टोटल 97 केसेस लाए गए थे और जिसे लगता है कि बस काफी ओवरलोडेड थी। 60 केसेस हमने रेफर किए हैं टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स में, जिनमें DHQ हॉस्पिटल, बेनजीर शहीद हॉस्पिटल और कुछ जो है वो स्पेशल परमिशन लेके केआरएल हॉस्पिटल भी रेफर किए हैं। 17 जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहूटा में जेरे इलाज हैं, जबकि 60 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी और बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे ने कई खानदानों को उजाड़ दिया। शाम को हम निकले थे, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, बस आई और स्लिप हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन वो गिर गई। मेरी फैमिली के सारे लोग थे और मेरी अम्मी अबू भी फोत हो गए और भाई भी और दो भाई पिंडी हॉस्पिटल में चले गए। जख्मियों का कहना है कि उनका खुशियों भरा सफर मातम में तब्दील हो गया। जो ऊपर आदमी थे मर्द वो सारे बहुत हो गए। दो मेरे भाई थे, एक बहन थी, एक भाभी थी, एक वो बहन की बेटी थी, एक बहन का बेटा था, सब बहुत हो गए। मेरा बढ़िया हूँ, मुझे मौत करीब पे बहुत नुकसान ज्यादा हो जाओ।